गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, और मिरर के लीनियर मैग्नीफिकेशन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि लीनियर मैग्नीफिकेशन अपन ने पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है उसको डिनोट करते हैं अपन बाई स्मॉल एम, और मिरर के लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। उसी टॉपिक को अपन आगे के ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने टॉपिक लिया था लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है उसको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल एम, और लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। और मिरर के लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। हियर वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन का मैंने बताया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो वर्चुअल इमेज के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एम इज पॉजिटिव, और जब लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज की जो नेचर होती है वो अपन ने पढ़ी थी, इमेज की नेचर कैसी होती है, वर्चुअल। और अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इमेज की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, रियल। वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज ऑलवेज विल बी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज विल बी इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव। और मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया है एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इसी का आगे का ऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक अपन ये डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। तो आज अपन टॉपिक ले रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। हियर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जबकि एफ आपको मैं बता रहा हूं फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। तो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसकी टर्म में फाइंड आउट करने के लिए देखो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और मिरर फॉर्मूला अपन ने यह डिस्कस किया था बेटा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब जिसकी टर्म में अपन को पूछ रहा है, यहां अपन पढ़ रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। तो जिसकी टर्म में अपन को लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ रहा है, इस मिरर फॉर्मूला को अपन उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां देखो अपन किसकी टर्म में निकाल रहे हैं, यू एंड एफ। तो यहां इक्वेशन फर्स्ट होगी उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यू। और अगर अगला टॉपिक अपन लेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, वेयर वी इज द इमेज डिस्टेंस। जब वी की टर्म में निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे वी से, और u की टर्म में फाइंड आउट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, u। तो इक्वेशन फर्स्ट
इज मल्टीप्लाइंग बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यू से, और वी के टर्म में निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वी यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यू अपॉन वी प्लस यू अपॉन यू इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। यहाँ देखो यू अपॉन यू की जगह अपन कितना पुट कर सकते हैं, वन। यहाँ से इसको सॉल्व आउट करते हैं तो अपन लिख सकते हैं यू अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। इधर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपन, क्या इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन यू अपॉन एफ प्लस का इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस, और यू अपॉन वी प्लस का उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस, तो माइनस यू अपॉन वी। यहाँ इसका मैं एलसीएम देखता हूँ तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा क्या, एफ, तो यहाँ हो जाएगा एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। इस इक्वेशन का इन्वर्स करने पर, जैसे इस इक्वेशन को इन्वर्स करते हैं तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ये तो हो जाएगी एफ अपॉन एफ माइनस यू, और इसका इन्वर्स करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस वी अपॉन यू, तो ये माइनस वी अपॉन यू, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ या अपन सबको होता है टा लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है टा एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस वी अपॉन यू की जगह ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और इस माइनस वी अपॉन यू की जगह अपन पुट कर सकते हैं क्या, एम, और एम इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो बाय द बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट लीनियर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इस माइनस वी अपॉन यू की जगह अपन पुट कर सकते हैं क्या, एम, तो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, तो f इज द फोकल लेंथ एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f में क्या आएगा, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, क्लियर। आगे देखना, अब अपन निकाल रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर, तो मिरर फॉर्मूले से निकालेंगे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब जिसकी टर्म में फाइंड आउट करते हैं उसी से इस इक्वेशन फर्स्ट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ किसकी टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, v, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को अपन को मल्टीप्लाई करना है बाई v, और v इज द इमेज डिस्टेंस, तो इक्वेशन फर्स्ट को v से मल्टीप्लाई करने पर यह इक्वेशन हो जाएगी v अपॉन u, v अपॉन v प्लस वी अपॉन यू, और यहाँ हो जाएगा वी अपॉन एफ। यहाँ अपन वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वन, तो इसकी जगह वन प्लस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ से इसको अपन पक्षांतरण करते हैं तो वन माइनस वी अपॉन एफ, और v अपॉन u को उधर ले जाते हैं तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ इसका एलसीएम अपन लेते हैं f, f माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ अपन को बताया कि लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन u, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड एंड
इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट लीनियर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ. तो इसमें अपन ने दो फॉर्मूला निकाला. पहला वाला फॉर्मूला था वो किसके टर्म में था, यू और एफ. और ये वाला लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो किसके टर्म में बेटा, वी और एफ. हियर वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये लीनियर मैग्निफिकेशन का सेकंड पॉइंट था. कल नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना, एक पार्ट इसका पूरा हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू.